अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इंडिया की सुपरस्टार से भरी हुई टीम जिसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, हर बंदा ही सुपरस्टार है। तो सुपरस्टार्स की टीम एक मीडियोकर श्रीलंका की टीम से आज हारी है और पूरा क्रेडिट जाता है भाई वैन डरसे को। क्या जबरदस्त बॉलिंग यार, 6 विकेटें, टॉप इंडिया के खिलाड़ी, इंडिया के 6 टॉप के खिलाड़ियों को वैन डरसे ने आउट किया है और जबरदस्त जीत दिलवाई है श्रीलंका को। वैसे भाई इस पर क्या कहेंगे आप, और इंडिया के फैंस उदास हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बात करनी है कि इंडिया के फैंस एक मैच हारने के बाद उदास हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा कह लें अपनी टीम से मायूस है। हालांकि इंडिया की जो टीम है बड़ी ज़बरदस्त टीम है, डोमिनेट करती आई है वर्ल्ड क्रिकेट में और कर रही है, तो एक मैच हारने से इतनी उदासी क्यों हो गई? देखिए झटका लगा है और झटका बुरा लगा है। देखिए ऐसी टीम ने आपको झटका दिया, इंडिया की टीम को, जिसको आपने रेड ही नहीं किया हुआ था। देखिए श्रीलंका को जब सीरीज स्टार्ट हुई थी को रेड ही नहीं कर रहा था कि ये पास भी नहीं आने देंगे, और आज देखिए श्रीलंका ने मैच जीत लिया है। अब श्रीलंका सीरीज हार नहीं सकता, ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं और इंडिया जो है सीरीज जीत नहीं सकता, तो ये मानी रिजल्ट छोटा नहीं है इंडिया के लिए, इसी वजह से वो झटके में है। क्या इंडिया की टीम, जो इंडिया के बैट्समैन है, बैटर्स हैं, वो क्या स्पिनिंग खेलना भूल गए? 140 रन चेंज नहीं हो रहे, 230 रन चेंज नहीं हो रहे। आपकी बैटिंग लाइनअप दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है और आपकी हरकतें जो है वो अजीबोगरीब किस्म की हो रही है, तो हमारी तनकीद तो होगी। देखिए श्रीलंका जैसी टीम से के खिलाफ आप 240 चेंज नहीं करेंगे तो आपको कोई फूलों के हार तो पहनाए नहीं जाएंगे। देखिए वैसे भी वाकई मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ। देखिए इंडिया की टीम हारी आज और वाकई बहुत बुरी तरह हारी है, लेकिन आप क्रेडिट नहीं छीन सकते श्रीलंका से। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया की टीम बहुत बुरी तरह खेली है, आज श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेली है। श्रीलंका आज बड़ी टीमों की तरह खेली है, आज श्रीलंका इंडिया की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह खेली है। आज उसके 2 बॉलर्स ऐसा लंका ने 3 खिलाड़ी आउट किए हैं और क्या नाम है वैन डरसे ने 6 खिलाड़ी आउट किए हैं, तो 9 खिलाड़ी जब आपके 2 ही खिलाड़ी आउट करते हैं तो उस टीम ने अच्छा खेला ही है ना। और श्रीलंका ने प्लानिंग से हराया आज इंडिया को। देखिए टॉस जीते वो पता था कि मैंने 300 के लिए नहीं जाना है, लालच नहीं करनी है, 230 भी रहे, 240 भी रहे और इंडिया को हराया। सारा क्रेडिट जो जाता है वो इंडियन टीम को नहीं जाता बल्कि श्रीलंकन टीम को जाता है। हाँ इंडिया की टीम अच्छी जरूर है, इंडिया की टीम अभी भी जरूर अच्छी है, जो इंडिया के फैंस हैं इतने ज़्यादा मायूस हो गए हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप हार गए हो, इस पे थोड़ा मुझे हो रहा है। देखें अब ये कहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ अभी वीडियो चल रही होगी वो कमेंट्स में यही कहेंगे यार कि आप पाकिस्तानी जो हो वो इंडिया की हार पे खुश हो रहे हो। हम इंडिया की हार पे खुश नहीं हो रहे, लेकिन हमें इतना शौक नहीं लगा क्योंकि इंडिया एक अच्छी टीम है, एक मैच हार सकती है। देखिए इंडिया की टीम जो है वो अगर हारी है तो इसकी वजह तो इंडिया की बैटिंग लाइन आप खोलेंगे, उनसे अगर चेज नहीं हो पाया तो देखिए इस पर हम बात तो करेंगे। अब इंडिया की सुपरस्टार बैटिंग लाइन अगर बैटिंग करना भूल जाए, स्पिनर को खेलना भूल जाए, तो उस पर बात तो जरूर होगी। मानी देखिए बात आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम शौक में, इंडिया के फैंस शौक में, उनको आदत नहीं है हार जो है ना, वो उनको आदत नहीं है। हमें तो चले हार हार की आदत हो चुकी है, तो इंडिया की टीम का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया। अब श्रीलंका से आप हारे तो उनको अब बिलीव भी नहीं हो रहा कि श्रीलंका ने हमें हरा दिया, हम कैसे हार गए। और यही बात डगआउट में भी होगी, यही बात रोहित शर्मा भी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो 97 पे आउट हुआ था, और सोचा होगा कि हमारी टीम ऐसा क्लैश करेगी कि बाद में बल्ला लगाने भूल जाएगा। इंडिया अपने दोनों मैच जीते हुए हारा है। देखिए आपको 1 रन बनाने आपके 2 खिलाड़ी पड़े हुए हैं पिछले मैच में, आप वहां से मैच हार जाते हो। आज आपके 97 पे 0 हैं, आपका ऑलमोस्ट आधा रन जो है वो चेज हो चुका है, 100-150 रन इंडिया के लिए घुस भी नहीं है 10 खिलाड़ियों के लिए। पिछले मैच में आप 70 पे पहला आउट हुआ था, आज 97 पे पहला आउट हुआ है। 35 ओवरों के अंदर 150 रन इंडिया के 10 खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया वो भी नहीं बना पाया। आप 2 बार क्लैप्स हुए हो, इंडिया की एक आप कह रहे हैं स्टार स्टडीड सुपर स्टार से भरपूर टीम जिसमें विराट कोहली जैसा नाम है, वो 2 बार कोलैप्स हुए, तो ये थोड़ा सा इंडिया के लिए टेंशन है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं है कि इंडिया कह लेगी यार वो टीम ही बेकार और विराट कोहली द चेस मास्टर, चले वो तो फॉर्म में वापस आ जाएंगे, लेकिन जो इर्द गिर्द बाकी कह लो कि शाहकार है ना, शाहकार ही मैं उनको बोलूंगा कि वो देखिए वो इंडिया की टीम में वो खेल रहे हैं, कुछ छोटे बात नहीं है। इंडिया की टीम में एक से बढ़ के एक प्लेयर जो पीछे वेट कर रहा है, और आप अपनी जो जगह को फॉर ग्रांटेड लेंगे जिसमें शिवम दुबे का भी नाम होगा, जिसमें केएल राहुल को खिलाया जा रहा है, ऋषभ पंत को बिठाया जा रहा है, तो देखिए इस तरह की जब श्रेयस अय्यर की बात करेंगे कि आपको बड़ा प्रमोट एवरेज इनकी 50 की है, लेकिन मुझे मैच विनर आपके जो मैच कह लो कि फंसे हुए मैच जितवाने वाले प्लेयर वो नजर नहीं आ रहे इनमें। हालांकि एबिलिटी नहीं आ रही, पिछले तकरीबन 2 महीने के अंदर जितने फंसे हुए मैच, जितने नामुमकिन मैच जीते हैं वो एक अलग है,
लेकिन इंडिया अब ओडीआई के अंदर वाकई थोड़ा सा डावाडोल हुआ है, थोड़ा इनका इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा काम करने की बात हो गई है। जो मैच विनर्स थे वो अब मैच विन नहीं करके दे रहे इंडिया, और इसमें अभी वापस आना है, हार्दिक पांड्या नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, आपके ऋषभ पंत अगर टीम में आते हैं तो ये चेंजेस जब होंगे, और अगर बुमराह होते हैं तो ये 230-240 रन ही ना होते, सीधी बात है, बुमराह का बड़ा मिस कर रहा होगा इंडिया। तो अभी मानिए इंडिया के 3 से 4 प्लेयर नहीं है, आप टेस्टिंग मोड में है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे आज भी एक्सपेरिमेंट था कि शिवम दुबे को ऊपर बैटिंग कराई गई, वो फेल हुआ, और केएल राहुल जैसे बैट्समैन को छठे नंबर पर बैटिंग कराई गई, तो अब थोड़ा सा ऊपर नीचे विराट कोहली कह रहा हूँ, गौतम गंभीर थोड़े एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, अब इसमें क्या टीम निकल के आती है, क्या टीम डेवलप करते हैं चैंपियंस होने से पहले, और अच्छी टीम डेवलप हो जाएगी, इतना को पैनिक होने वाली बात नहीं है इंडिया की तरफ से कि इंडिया की टीम एक मैच अगर श्रीलंका से हार गई है तो हम कहें कि इंडिया की टीम बुरी टीम है, बुरी टीम नहीं है। लेकिन आज आपने बात बिल्कुल स्टार्ट किया कि जिस तरह की श्रीलंका ने आज बॉलिंग की है, जिस तरह श्रीलंका ने आज गट्स दिखाए हैं और एक प्रेशर नहीं लिया कि हमारे सामने बहुत अच्छी टीम खेल रही है, उन्होंने अपनी एबिलिटी में ट्रस्ट किया, तो उस वजह से मैच जीते, जबरदस्त उनकी जो परफॉर्मेंस है श्रीलंका की। चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, और वीडियो को लाइक करना है, कोई बात नहीं वीडियो को लाइक कर देना, अगर इंडिया हरा भी है तो देखें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अगली बार जीत जाओगे, इतने परेशान नहीं रहे, जो इंडियन फैंस है वैसे भी परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, लाइक भी मैं आपको बार बार बताऊं कि आदत नहीं है उनको, ये हार जो है ना हमें तो आदत हो चुकी है, लेकिन इंडिया की टीम कम कम हारती है, जब हारते हैं तो फिर क्रिटिसिज्म भी उतना ही होता है जितनी वो जीत पे खुश होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।